नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में एनकाउंटर के दौरान अपराधियों को मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालकर डराने वाली यूपी पुलिस का नया कारनामा सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यूपी पुलिस गन पॉइंट पर राहगीरों की सामान्य तलाशी लेते हुए नजर आ रही है। मामला बदायूं जिले का है। वीडियो बदायूं पुलिस द्वारा बनाया गया बताया जा रहा है। बता दें कि बदायूं पुलिस का कहना है कि इस तरह से चेकिंग आला अधिकारियों के आदेश पर की गई है। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी बाइक सवारों को गन पॉइंट पर रोककर उनकी तलाशी ले रही हैं। पूरी तलाशी के दौरान चारों ओर से पुलिस वाले व्यक्ति पर बंदूक ताने नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान पुलिस वाले राहगीरों को चेतावनी देते हुए भी सुने जा सकते हैं। वह बाइक सवारों से कह रहे हैं कि अपने हाथ ऊपर करो और लिहाजा नहीं, अगर बात नहीं मानी तो गोली लग जाएगी। सोशल मीडिया पर मामले के तूल पकड़ने पर बदायूं के एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने सफाई देते हुए पुलिस के तरीके को सही ठहराया है। उन्होंने आगे कहा कि गन पॉइंट पर किसी संदिग्ध की तलाशी लेना पुलिस ट्रेनिंग का हिस्सा है। त्रिपाठी ने आगे बताया कि पूर्व में कई घटनाओं में तलाशी के दौरान खुद को घिरा देकर अपराधियों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी और इसलिए पुलिस ने एहतियात के तौर पर कदम उठाया है। जरा सोचिए, आप दिन के उजाले में अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं और अचानक आपके सामने 5-6 पुलिस वाले बंदूक ताने आ जाएं और आपको रोककर कहें कि आप अपने हाथ ऊपर करें और फिर गन पॉइंट पर उनकी तलाशी ली जाए, तो इस हालत में आपके आने जाने के बारे में सवाल भी किए जाएं तो किसी पर क्या गुजरेगी। कोई दिल का मरीज भी हो सकता है या किसी के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाले भी हो सकते हैं, तो ऐसी हालत में उसका क्या होगा। लेकिन इस तरह के मामलों पर पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के बजाय जिले के पुलिस कप्तान इसे सही ठहराने में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ कोई संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।